चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव समीर आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यवन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को द पार्क रेस्टोरेंट में न्यूज 9 नेटवर्क के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ DSP मुजफ्फरपुर के अलावा वार्ड पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है रंजना सरकार, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी क्रम में साहित्यकार और रंगकर्मी संजय पंकज जी के द्वारा शिक्षकों के संबंध में बहुत ही सुंदर और अच्छी बातें कही गई, जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा शिक्षकों के संबंध में। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ इसे लाइक करें। और आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन शिक्षकों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं, शिक्षक हम मोटे तौर पर जानते हैं कि समाज की रीढ़ है। परिवार से लेकर समाज, राष्ट्र और विश्व बंधुत्व के निर्माण में शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका होती है। और जब भी महान शिक्षक खड़ा हुआ है, इस देश का इतिहास बदल गया। समय ने करवट दिया है। कोई भी राजनेता जब अपने समय को प्रभावित कर सकता है, बड़ा से बड़ा प्रतापी राजनेता भी होगा तो अपने समय को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कोई चिंतक, कोई सही शिक्षक, कोई रचनाकार, कोई ऋषि खड़ा होता है तो युग पर प्रभावित होता है, युग करवट लेता है, युग से करता है। हम जिनके वंशज हैं, आज भी हम तुलसी को अपना शिक्षक मानकर चलते हैं, आज भी चाणक्य को हम अपना शिक्षक मानकर चलते हैं। एक समर्थ रामपुत, एक समर्थ गुरु रामदास खड़ा होते हैं तो शिवाजी जैसा प्रतापी व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है। एक चाणक्य संकल्प के साथ खड़ा होता है तो किसी चंद्रगुप्त को खड़ा करके सत्ता परिवर्तित कर देता है और खेलने वाले सामान्य से बच्चे को भी तराश कर, ढाल कर इतना मजबूत बना देता है कि वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। कोई रामकृष्ण खड़ा होता है तो नरेंद्र को रूपांतरित कर देता है स्वामी विवेकानंद के रूप में। इसलिए शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका रहती। रत्नाकर डाकू को राम का मंत्र दे देता है पूरी निष्ठा के साथ, कोई गुरु कोई शिक्षक तो वह वाल्मीकि में तब्दील हो जाता है, वाल्मीकि में बदल जाता है। तो आप अपनी शक्ति को पहचाने। लेकिन भारतीय शक्ति का मूल्यांकन कैसे होता है? यहां जितनी भी संगतियां हैं, शिक्षकों की जिस तरह से नियुक्ति हो रही है, जिस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार किया जाता है, सरकार भी कहती है कि शिक्षा छोड़कर आप सब काम कीजिए। बीच में तो तुले की वो शौचालय की सफाई के लिए लगा दिया था, सबके पीछे लग जाइए कि कोई कहीं गलत जगह पर तो नहीं सोच का परित्याग कर रहा है। तो शिक्षकों से शिक्षा के सिवा सारे कामों में लगा देना कहीं न कहीं से ये शिक्षकों के लिए भी चिंता का विषय है, समाज के लिए भी चिंता का विषय है और हमारे बड़े राजनेताओं के लिए भी चिंतन का यह विषय है। शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। अब तो कानून भी ऐसा हो गया कि शिक्षक किसी को डांटे नहीं, किसी को पीटे नहीं, बड़ा मुश्किल है। और हम लोग एक महीना पहले भी अगर बदमाशी किए रहते थे और शिक्षक को एक महीने के बाद स्मरण आ जाता है कि एक महीना पहले इस लड़के ने बदमाशी की थी, घर में ठोकर पिटा करते थे और गार्जियन उनका स्वागत करते थे, अभिनंदन करते थे। अब शिक्षकों को भी जात पात में बांट दिया गया है, शिक्षकों को भी अगड़े पिछड़े में बांट दिया गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। गार्जियन भी पहुंच जाते हैं कि मेरे बच्चे की इसलिए अपने पिटाई की आप थाना भी राजनीति के। इस तरह से अभिभावकों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, शिक्षकों को भी पूरी निष्ठा के साथ। खिचड़ी अभियान में तो आप लगे ही रहते हैं, सरकार ने भी खिचड़ी की व्यवस्था थमा दी है। सारे लड़के कहीं कहीं होते, एक बार में जैसे ही खिचड़ी की घंटी बजती है सारे लड़के बेतहाशा दौड़ते हैं और बहुत सारे शिक्षक भी इसीलिए रहते हैं, कहां पढ़ाएंगे, झंझट में पड़ा जाए, खिचड़ी खिलाओ निपटाओ बात खत्म। लेकिन हमें जिस काम के लिए सरकार ने नियुक्त रखा है, हमें जिस काम के लिए समाज ने नियुक्त किया है और हमारे चरित्र में आचरण में जिसका विश्वास, जिन कारणों से उस विश्वास की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। यह दायित्व किसका है, यह कर्तव्य किसका है? अपने अपने कामों को करें ईमानदारी से। इस देश में कोई भी काम कर रहा है
तो उसका काम किसी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काम से कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र निर्माण में आपकी भी उतनी बड़ी भूमिका है जितनी बड़ी भूमिका किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है। आप जहां कहीं से भी व्यक्ति को संवार रहे हैं, समाज को संवार रहे हैं, दिशा देने का काम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए साहस का संबल दे रहे हैं, समझ जाइए कि आप राष्ट्र का काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्र निर्माण में आप चाहे तो इतिहास को बदल दे सकते हैं, आप चाहे तो नया इतिहास गढ़ दे सकते हैं। हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जरूर की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, धरती का आकाश बदलने वाले हैं। हम तो कभी है माने हम शिक्षक हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। हम इतिहास बदल सकते हैं। एक जंगल में एक बाघ के साथ तीन प्राणियों की मित्रता हो गई, ऊंट, सुगर और खरगोश। सैया फिर बुधवार को डरता है। अब बाघे से मित्रता हो गई तो जंगल में किसकी औकात थी कि एक खरगोश पर टोक दे एक नाजायज काम पर। अब जहां मन करे वहां ऊंट मुंह मारता था, सुअर भी मुंह मारता था, खरगोश भी मुंह मारता था। उन लोगों की विशाल जंगल में स्थित विशाल वट वृक्ष के नीचे गप गोष्ठी जमती थी। एक दिन बाघ ने एक जोड़ा बैल को मारा। जाहिर है कि बैल को मारकर उसने ध्यान साधना नहीं की होगी, उसका भक्षण किया। एक जोड़ा बैल का मांस खाकर अघाया हुआ बाघ आया और उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इधर उधर मुंह मारता हुआ ऊंट आया, बाघ के ठीक सामने दाहिनी तरफ बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सुअर आया बाईं तरफ, खरगोश आया सामने बैठ गया। अब चूंकि एक जोड़ा बैल का मांस खाया था, प्रतिक्रिया हो रही थी, वायु विकार पैदा हो रहा था, डकार की प्रवृत्ति आ रही थी। दाहिनी तरफ मुंह उठाकर बाघ ने एक डकार छोड़ी। अब उसकी दुर्गंध ऊंट के नथरे तक गई। ऊंट ने कहा छी छी, भरी सभा में इस तरह से भी कहीं दुर्गंध छोड़ी जाती है, दुर्गंध आ रही। बाघ को बड़ा खराब लगा कि भरी सभा में मेरे ही पर उत्थान मचाने वाला यह ऊंट भरी सभा में इसने मेरी बेइज्जती कर दी। मित्रता भूल गया, एक झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। जानवरों की मित्रता थी, इसलिए कृतज्ञता का भी भाव था, मनुष्य में वह भाव रखता भी नहीं है। जानवर की मित्रता थी, इसलिए उसको सड़ने गलने के लिए नहीं छोड़ा, उसको भी उद्रस्त कर लिया। ऊंट ने जो खाया पिया था उसके साथ बाघ ने उसको उद्रस्त कर लिया। अब मिश्रित प्रतिक्रिया और तेज हो गई। जेडिन प्लस एस टू एस फोर का मामला चल रहा था और वायु विकार तेज और डकार की प्रवृत्ति। बाईं तरफ बैठा हुआ सुअर सोच रहा था ऊंट ने तो सच ही कहा दुर्गंध आ रही थी, दुर्गंध का और सच कहा तो मार गया बेचारा, पतलून गीली हो गई, दस्त से हालत खराब होने लगी खरगोश की, तो डेढ़ किलो का खरगोश ऐसे ही पीला पड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद बाघ ने उसका काम तमाम करके ऊंट को दुर्दस्त करके बाई तरफ मुंह उठाकर फिर वही डकार और डकार का तेज झोंका सुअर तक। सुअर खामोश, बाघ ने पूछा अभी सुअर तू बता तुझे दुर्गंध लगी क्या? नहीं हुजूर, सुगंध है, इलायची की खुशबू है, केसर की खुशबू है, कस्तूरी की खुशबू। बाघ ने कहा कि सुअर मुझे इतना बड़ा मूर्ख समझता है, मेरे खानदान में यहाँ क्या माँ के खानदान में भी किसी ने किसी जन्म में नहीं खाया होगा? खाया मैंने बैल को, खाया अभी ऊंट को, और उसको केसर कस्तूरी इलायची की गंध आ रही है। अब उसकी चाटुकारिता उसकी मूर्खता पर ताकि उसको मूर्ख समझ रहा उसका भी काम तमाम कर लिया, उसे भी उद्रस्त कर लिया। फिर एक बार हालत खराब हुई खरगोश, अब उससे निपटने के बाद खरगोश ने देखा कि मेरा क्या होगा। कुछ देर के बाद तेज वायु विकार सामने उसने डकार छोड़ी, इसी तरह से उड़ने से अपने आप को बचाए रखा खरगोश ने। बाघ ने पूछा कि अभी खरगोश तू बता तुझे दुर्गंध लगी या सुगंध? खरगोश ने कहा कि महाराज जान बखस दी जाए तो मैं एक निवेदन करूं, ताकि वैसे भी एक जोड़ा बैल का मांस खाया, ऊंट को खाया, सुअर को खाया, अब जगह कहाँ है, और उसे भी तो इतना गंदा हो चुका है, बीमार हो चुका है कि तेरी मैंने जान बखस दी। क्योंकि महाराज एक पखवाड़ा से जोड़ का सर्दी जुकाम होने के कारण पता ही नहीं चला कि सुगंध है कि दुर्गंध। हमारी यही स्थिति हो गई है, हम माँ बाप के चेहरे का स्वाद लेना भूल गए हैं, उनके संवाद के सुखों से अपने आप को वंचित कर दिया गया है। हम दादी से कट गए, दादा से कट गए, चाचा से कट गए, चाची से कट गए, बुआ से कट गए, मासी से कट गए। कितना बड़ा संबंधों का संसार हुआ करता था और सारे संबंध हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करते थे।
हमारे स्नेह को बचाए रखते थे, हमारी मनुष्यता का संपोषण करते थे, और कोई न कोई नानी दादी के बगल में सोते हुए बच्चों ने हलाव कांपते हुए गांव के चौपार में रहते हुए कितनी लोक कथाएं सुनी। हमारा पड़ोस छूटता चला जा रहा है, गांव छूटता चला जा रहा है, अर्थात हम अपनी जड़ अपनी जमीन और समृद्ध परंपरा और विरासत से कटते चले जा रहे हैं। हम मोह के संजाल में फंस रहे, लोग से कट रहे हैं। हमारी संस्कृति हमारी विरासत क्या है इसको कौन बचाएगा? शिक्षक नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? शिक्षक छात्रों को लोग से नहीं जोड़ेंगे, मिट्टी से नहीं जोड़ेंगे, परंपरा से नहीं जोड़ेंगे, संबंधों से नहीं जोड़ेंगे, माँ बाप से संवाद करने का स्वाद क्या होता है, सुख क्या होता है? बच्चे भी निकल रहे हैं, बच्चे भी बच रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियों के शिकार हो रहे हैं, मोह में फंस रहे हैं। माँ की छुर्रियां क्या कहती है, पिताजी के संघर्ष से भरा हुआ चेहरा उसका बयान क्या है? हम पिता से संवाद नहीं कर रहे उसका स्वाद, इसलिए स्वाद लेने की जरूरत है। जब तक शिक्षा का स्वाद बच्चों के भीतर उतारेंगे नहीं, बच्चों के भीतर स्वाभाविक प्रवृत्ति शिक्षा के प्रति जागृत नहीं होगी। स्वाद उतार देने की जरूरत है। शिक्षक होने का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होने का अर्थ क्या होता है? विद्या का सुख क्या होता है? शिक्षा का सुख क्या होता है? इन्हीं अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, इन्हीं अपेक्षाओं का सम्मान करने के लिए यहाँ आप तमाम शिक्षकों को आमंत्रित करके राणा जी ने और न्यूज लाइन नेटवर्क के द्वारा जो सम्मान की योजना बनाई गई है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। घोर सन्नाटे में भी किसी ने एक तीली जलाने का प्रयास तो किया, कि जो निष्ठा है उसका सम्मान हो और आपके माध्यम से आवाज न उठेगी तो फिर हम आवाज के लिए किस दर पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो यह सम्मान या स्वागत उस परंपरा का भी, उस निष्ठा का भी, उस संकल्प का भी, उस भाव का भी और उस तेज का भी, जिस तेज को कभी हमारे महान गुरु शिक्षकों ने और पूर्वजों ने जिया है। धन्यवाद।